आप देख रहे हैं बी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मैं दक्षिणी दिल्ली के असोला फतेहपुर बेरी में हूं और यहां पर एक रैली निकाली गई है गौ माता को राष्ट्र माता को दर्जा दिलाने के लिए। आप देख रहे हैं बी न्यूज 24 और मैं हूँ दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे बीच में गोपाल मणि महाराज और माता राजेश्वरी देवा जी हैं और रविवार को दिल्ली के अलग अलग इलाके में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए गौ भक्तों के साथ ये आंदोलन करती है, रैलियां निकालती है। हमारे बीच में अभी गोपाल मणि जी महाराज है और राजेश्वरी देवा जी हैं, तो चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। महाराज जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जो गौ माता की आवाज़ आप बुलंद कर रहे हैं। गुरु जी, अभी अभी आप झारखंड से होकर आए और मैं सुना हूँ वहाँ पर, जैसे मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पर गौ भक्तों की अपार भीड़ थी, असंख्य संख्या में लोग गौ माता को राष्ट्र माता के बनाने के मुहिम से जुड़ रहे और दिनों दिन ये मतलब एक जो चिंगारी जो मसाल बनते जा रहा है और आप जगह जगह जा कर के गौ माता को राष्ट्र माता को दर्जा दिलाने के लिए आप पूरी मशक्क़त करें, पूरी मेहनत करें, सरकार से मांग भी करें और ये रैली भी निकाली जा रही है, तो अभी आपका क्या कहना सरकार से, आपकी क्या मांगे, क्योंकि 20 नवंबर का आप लोग एक महा एक जन आंदोलन भी करने जा रहे हैं आप लोग जो गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जा दिलाने को लेकर के। देखिए, हमारी भारत सरकार से यही मांग है कि गाय हमारा धर्म का विषय है और हमारे जितने भी सत्कर्म हैं, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, बिना गाय के नहीं हो सकता। हमारे वेद गाय को पशु की संज्ञा नहीं देते हैं, गाय को माता का सम्मान देते हैं। इसलिए भारत सरकार अविलंब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे। माता जी, आपका क्या कहना है? हम यही चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। गाय हमारा धर्म है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि गाय की पूजा करते थे और सब गाय को माता कहते थे, लेकिन यहाँ हमारी सरकार, हमारा जो कानून है वो गाय को पशु मानता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि पशु के दर्जे से माँ को निकाला जाए और माँ को माँ का सम्मान दिया जाए। 20 नवंबर 2023 गोपाष्टमी वाले दिन गुरुदेव के साथ हम सब करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे होंगे दिल्ली में और सभी सरकार के आगे गुहार लगाएंगे कि शीघ्र अति शीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। आप हर रविवार को इस तरह का जो है ये रैलियाँ निकालती हैं दिल्ली के अलग अलग जगह में, कभी छतरपुर में, कभी अलाडो सराय, आज आपने फतेहपुर बेरी, तो अगला रविवार को कहाँ निकाला जाएगा? दिल्ली में जहाँ जहाँ हमें सब भक्तगण बुलाते हैं वहाँ हम जाते हैं और कॉलोनियों के, गांवों के बीच में हम घूमते हैं कि सब लोगों तक ये संदेश जाए कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है और 20 नवंबर को हम सब ने इकट्ठे होना है। तो क्या इस आंदोलन से लोगों को कुछ प्रेरणा मिल रही है, लोग जागृत हो रहे हैं? बिल्कुल, बहुत लोग, आप देख रहे हैं कि कितने लोग साथ चलते हैं और पूरे गांव में, पूरी कॉलोनियों में ये मैसेज जाता है और सब लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं और सब कहते हैं कि हम 20 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे।
तो अगला रैली कहाँ होने वाला, जो आने वाले इतवार को? अभी दिल्ली में ही कहीं ना कहीं जहाँ भक्त बुलाते हैं। यानी कि अभी रविवार को रैली होती है, दूसरे सोमवार को हमें पता चल जाता है कि कहाँ रैली होनी है। अच्छा। तो फिर उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अभी हिमाचल शायद मंगलवार या बुधवार हिमाचल सुंदरनगर में भी रैली होगी, वो भी बहुत जोर शोर से, और वो हिमाचल के लोगों को पूरे देश के लोगों को जगाया जा रहा है, पूरे देश को लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब एक ये जो आंदोलन एक जन आंदोलन बनता जा रहा है और एक मसाल जो मतलब चिंगारी से मसाल बनता जा रहा है, और काफी लोग यहाँ देख सकते हैं कि हर तबके के लोग हैं। कुछ हमारे बीच में देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक बहन जी है जो गौ माता की तस्वीर को लेकर के सर पे लेकर चल, जरा आप इधर आइएगा। और क्या नाम है आपका? मैं पूनम खन्ना, छतरपुर मंदिर से। छतरपुर मंदिर से हैं, और आप अभी गौ माता का जो मूर्ति को सिर पर लेकर आपने पूरा अभी घूमा है, तो आपका क्या कहना है? माँ को माँ का सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। ये माँ जो है पूरे राष्ट्र की माता है, तो माँ का सम्मान तो होना ही चाहिए। और जैसा आप मेरे सर पे देख रहे हैं गौ माता, ये हमारे सर का ताज है। हम मानते हैं कि माँ जो है हमारे सर का ताज है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आपने देखा होगा जो हमारे गौ भक्त हैं, बहुत बड़े गौ भक्त हैं चंद्रकांत जी, ये भी हर जगह जहाँ भी गौ माता की अगर हित की बात हो वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं। तो चंद्रकांत जी फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। क्या कहना आपको, जो अभी ये जन आंदोलन है दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है, लोग एक मतलब बहुत सारे लोग इस मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में गौ माता को राष्ट्र माता को दर्जा मिलना मतलब संभव है या नहीं? अब गौ माता को राष्ट्र माता बनने में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जन आंदोलन हमारे साथ एकत्रित होकर कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से साथ है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनने में अब कोई ज़्यादा समय नहीं है। गौ माता राष्ट्र माता। बहुत बहुत धन्यवाद माता। आप आइएगा इधर। क्या नाम है आपका? अनीता शर्मा। और आप कहाँ से आई हैं? हम आए पश्चिम बिहार से हैं, लेकिन हम छतरपुर मंदिर से माँ जी के साथ जुड़े हुए हैं, गुरुदेव पूज्य गुरुदेव महाराज। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना ही चाहिए, और इसमें हमारा यही लक्ष्य है, यही संकल्प है कि गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्र माता का सम्मान मिले। तो चलिए, सभी लोगों का आपने जो भावनाओं की, सभी लोगों का दिल की बात और उनकी जो बातें आपने सुना, और मेरा भी यही सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि जो सनातनियों का जो धर्म है, जो सबसे पहले सनातन धर्म है, गौ माता को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। सभी वेदों में कहते हैं अगर आप अकेला गौ माता की पूजा कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड की पूजा कर ली, सारे देवी देवताओं की पूजा कर लिया। तो सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनके दुख दर्द को सुने और गौ माता को राष्ट्र माता को दर्जा दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी है। और आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं कहना चाहता हूं, आप देखते होंगे, और मैं देश के सभी तमाम देशवासियों को और तमाम नौजवानों को, माता बहनों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कैसी विडंबनाएं हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं कि हमारी गौ माता कूड़ा करकट खाती है, और हम हिंदू धर्म हो के सनातनी हो के अपनी गाय माता को कूड़ा करकट खिलाते हुए देखते हैं। क्या हमारे घर में इतना भी चारा नहीं कि हम अपनी गौ माता के लिए एक दो वक्त की रोटी भी निकाल सके? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रामलाल पुष्कर है। और रामलाल जी, आपका क्या कहना है इस मुहिम के बारे में जो हमारे गोपाल मणि जी महाराज के नेतृत्व में पूरे देश में एक अलग जगाया जा रहा है, जो गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जा दिलाने के लिए? कृषि में पशुपालन और खेती दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब हम कहते हैं कि राष्ट्र का उत्थान, तो राष्ट्र का उत्थान कब होगा? जब निश्चित रूप से गाय को हम राष्ट्र माता का दर्जा देंगे तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र उत्थान हो जाएगा। अब राष्ट्र उत्थान कब होगा? जब हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सभी प्रकार से हम आप उत्थान करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र का उत्थान होगा। तो राष्ट्र के उत्थान का एक ही आधार है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइएगा। क्या नाम हो आपका? रमेश गहलोत। और आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मुहिम के बारे में? नहीं, बहुत जरूरी है कि गौ माता सिर्फ न केवल एक
आर्थिक रूप से जरूरी, सामाजिक रूप से जरूरी, पर आर्थिक कृषि क्षेत्र में भी बहुत जरूरी है। जैसे गौमूत्र है, गोबर है, ये जैविक खेती के लिए भी बहुत जरूरी है, जिससे ऑर्गेनिक खेती का जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है और एक गौ माता से जुड़ा हुआ पक्ष है, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो दूसरे पहलू को आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आइए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास पाटनी है। विकास जी, हम और आप अभी उत्तराखंड के चोपड़धार में भी मिले थे और कई दिनों तक साथ भी रहे, और वहाँ पे आपके उत्तराखंड के सीएम साहब भी आए थे। गौ माता, शायद उत्तराखंड में गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जा दिया जा चुका है लेकिन भारत सरकार की तरफ से नहीं मिला है, तो ऐसा क्यों? जब राज्य सरकारें दे रही तो भारत सरकार को देने में क्या परेशानी है? देखिए ऐसा है, क्या कहते हैं, उत्तराखंड और जो हिमाचल विधानसभा है, इनकी विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है कि जैसे अभी तक क्या है, जो गाय को राज्यों का विषय किया गया है और ऐसा कहा गया कि राज्य इस पर निष्कर्ष लेंगे अपना जो भी हो सकता है, तो फिलहाल ये हो चुका है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा, दो राज्यों ने अपनी सहमति इसमें दे दी है और सर्वसम्मति के साथ दी है। और केंद्र के साथ रही बात, आपने केंद्र की जो बात कही, तो केंद्र को तो सभी राज्य अपनी तरफ से निवेदन करते रहे, हम ये चाहते हैं हर राज्यों से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से लेकर हर राज्य, दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली प्रदेश से भी, यहाँ की विधानसभा से भी प्रस्ताव जाना चाहिए, क्योंकि गोरक्षा को केंद्र ये कहता है कि ये राज्यों का विषय है। अब मूलतः बात यह है कि गायकों का राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाए तो भारत की सभी समस्याओं का समाधान होगा, और केवल आर्थिक ही नहीं, भारत की सामाजिकता, भारत की धार्मिकता, हर तरह से, अध्यात्म से लेके हर की मूल पर गाय खड़ी है, और ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि गाय ही इस देश की भारत भाग्य विधाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी जो अगला जो भी रैली होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस मुहिम की जो पल पल की जानकारी मैं अपने दर्शकों को दूंगा, और साथ ही अपने चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, हमारे जो गुरुजी, जो गोपाल मणि जी महाराज हैं, इनकी मुहिम को आप आगे बढ़ाएं, और वहाँ भी आप अपने जो अगर आजू बाजू में कहीं पर गौ माता पर कोई अत्याचार होते देख रहे हैं तो उसकी आवाज़ उठाएं, और आप भी गौ माता राष्ट्र माता की आवाज़ उठाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।